टैगोर सलाह में पानी भरा होने पर बच्चों का स्कूल जाना दूभर हो रहा है। इस समस्या को लेकर आज नगर पालिका के पूर्व नेता प्रतिपक्ष आशीष भदौरिया ने स्वराज सिंह और सुषमा स्वराज के पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज कराया। कहाँ पे पढ़ते आप? शासकीय माध्यमिक। आज स्कूल आने में पढ़ाई करने में क्या परेशानी हो रही है आपको? सारी पानी भरा जाता है, स्कूल नहीं आ पाते, गंदे हो जाते। क्लास तक पहुंच जाते हो वैसे के पानी में से होके जाना पड़ता है? पानी में से होके जाना। मैडम सर से शिकायत करी थी ये? फिर क्या कहा मैडम सर ने? सर वो पानी निकलने कहीं पर जगह ही नहीं है, क्लास स्कूल में जगह ही नहीं है। क्लासों में ही भर जाता है बेटा? क्लासों में भर जाता है। फिर चलिए आज बात करेंगे यहाँ पर किस तरीके का दृश्य देखा जा रहा है, क्या जिस तरह से ये क्षेत्रीय सांसद सुषमा स्वराज जी और मुख्यमंत्री जी का ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पर इन्होंने कहा था कि हम पेरिस जैसी सुविधाएं देंगे, पेरिस जैसा स्वरूप देंगे, तो हमें आज यहाँ देखने को मिल रहा है। इस स्कूल में 80 के दशक में हम लोग भी पढ़े, यहाँ बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पढ़े, प्रताप भानु जी पढ़े, मोहन सिंह जी जैसे नेता यहाँ पढ़े। 80 के दशक में ये स्कूल था, यहाँ बाढ़ जैसी स्थितियाँ नहीं होती थी, यहाँ तालाब नहीं बना करते थे। अब जो विकास हुआ है उस विकास की स्थिति वर्तमान में ये है कि यहाँ विकास के नाम पर रोड के ऊपर रोड डाल दी गई हैं और आज स्कूल तालाब हो गए हैं। आज बच्चों का जब स्कूल आगमन होता है तो ये लोग कहीं पेंट ऊपर करके कहीं साइकिलों से स्कूल तक पहुँचते हैं, और चूँकि पूरे शासकीय स्कूलों में मध्यम वर्गीय परिवार के लोग यहाँ शिक्षा लेने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, खुदा ना खास्ता आज इतनी लापरवाही है प्रशासन की कि यहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था। बात करेंगे, आप कहना है कि भाजपा शासित नगर पालिका 14 साल से यहाँ विराजमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बीजेपी की सरकार इस चीज़ के लिए जिम्मेवार है कि जो शिक्षण संस्थाओं पे भी इतना ध्यान नहीं दे पा रही कि यहाँ के नौनिहालों को शिक्षा मिल सके। नौनिहालों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर पूरा विदिशा शून्य है। आज नाम है आपका? कीर्ति शर्मा जी। आज आपके स्कूल में जैसा देखा जा रहा है बच्चों को, कौन से स्कूल में आप वो प्राचार्य हैं? शासकीय माध्यमिक विद्यालय माधवपुर क्रमांक 2। यहाँ पर क्या देखा जा रहा है मैडम, चारों तरफ स्कूल के परिसर में पानी भरा है? हाँ भरा है सर, बारिश के बाद। आपका क्या प्रयास है? प्रयास है, आवेदन दिया है नगर पालिका में। कब तक उम्मीद है? क्या कह सकते हैं, देखा जा रहा है अभी बरसात पूरी तरीके से समाप्त पर नहीं आई बाबूजी।